हेलो, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की मीठी चटनी। ये हमारे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कोई शादी वगैरह हो तो ये बनता ही बनता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं। यहाँ पर मैं 2 कप चॉप करके टमाटर ली हूँ, एक मीडियम साइज ऑनियन हमको चाहिए, एक थोड़े से धनिया पत्ता, 1/4 कप के आसपास डेट्स है, सॉल्ट हमको चाहिए स्वाद के हिसाब से। यहाँ पे मैं 4 गार्लिक, थोड़े से अदरक और 2 ग्रीन चिल्ली को बारीक काट के ले ली हूँ। ये हल्दी पाउडर हमको चाहिए 1/4 टीस्पून, ये थोड़े से पंचफोड़न और 4-5 करी लीव्स है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1-2 टेबल स्पून जागरी। इसको बनाएंगे हम रिफाइंड ऑयल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन चढ़ा देंगे, पैन गरम हो गया है उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें मिला देंगे ये 5 फोड़न एंड करी लीव्स, उसको हम थोड़ा सा सटाई कर लेंगे। फिर हम इसमें मिला देंगे अपना चॉप किया हुआ गार्लिक अदरक एंड मिर्ची और उसको हम अच्छे से सटाई कर लेंगे ताकि उसका रॉ स्मेल चला जाए। अभी हम इसे मिला लेंगे ऑनियन, चॉप किया हुआ ऑनियन और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे ऑनियन हो गया है देखिए। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कटा हुआ टमाटर, मिला दें उसको अच्छे से। अभी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आपको देख के डालना है, टमाटर की क्वांटिटी देख के। सॉल्ट को अच्छे से मिला देंगे। फिर अभी हम इसमें सारे पाउडर मसाला ऐड करेंगे, ये गया हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, फिर डालेंगे यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर, यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली यूज़ की हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सबको हम अच्छे से मिला देंगे और कवर करके हम उसको पकने देंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये कम से कम हमको 10 से 15 मिनट तक लगेगा। चलिए ढक के उसको पका लेते हैं। अभी 12 से 13 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, ऑलमोस्ट कुक है ये। अभी उसमें मिला देंगे हम गुड़। अब गुड़ की जगह चीनी भी यूज कर सकते हैं लेकिन गुड़ डालने से उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। हम मिला दिए हैं गुड़, अभी हम उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो जाए। एंड हमारा गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है ये देखिए। अभी हम इसमें मिला देंगे डेट्स, हम डेट्स डाल दिए हैं। अभी इसमें हम मिला देंगे हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर लीव्स मिला के हमको उसको 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है ताकि सारा फ्लेवर एकदम वेल कम्बाइंड हो जाए। ये हमारा टमाटर का चटनी एकदम रेडी हो गया है। अभी हम फ्लेम ऑफ करते हैं और उसको सर्व करने के लिए बाहर निकालते हैं। ये देखिए ये हमारा टमाटर की मीठी चटनी एकदम सर्व होने के लिए तैयार हो गया है। आप इसको रोटी, राइस और पराठा, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। होप आप सबको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।